जो आचा में फसा तेरा ने ज्ञान तजे बन गया अज्ञाने जगत जाल है की चढ़ सानी यो नी चोरा सी मछड़ा पेले नाम का प्याला काना अग्नि मंद हपड़ पेले नाम का प्याला ताना अग्नि मंद हपड़ मद मान को मार कर चूरा हम भाव को कर दे दूरा इनसे देते वही हसूरा मद मान को मार कर चूरा हम भाव को कर दे दूरा इनसे देते वही हसूरा अथिया हर माया से लड़े बेले नाम का प्याला काना अग्नि मंद अपड़े बेले नाम का प्याला काना अग्नि मंद अपड़े जग दो दिन खेला तमाशा है सब छोटा भोग बिलासा है जो पानी बेच पतासा है जग दो दिन खेला तमाशा है सब छोटा भोग बिलासा है जो पानी बेच पतासा है क्यों भर्म भरांति कूप में हपड़ा पेले नाम का प्याला ताना अग्नि मंद हपड़े पीले नाम का प्याला ताना अग्नि मंद हपड़े सतगुर तारा चंद के शरण आओ नर जीवन को सफल बनाओ राधा स्वामी नाम को गाओ सतगुर तारा चंद के शरण आओ नर जीवन को सफल बनाओ राधा स्वामी नाम को गाओ कवर तेरे बन जा सभी काम बिगड़े पील नाम का प्याला काना अग्नि मंद अपड़े पीले नाम का प्याला काना अग्नि मंद अपड़े तन शुद्ध निज घर की नार क्यों पड़ गया भर्म झंझार तन शुद्ध निज घर के नार क्यों पड़ गया भर्म झंझार किसका तू है कौन है तेरा ये जग तो है काल का डेरा मोह ममता ने लाया घेरा किसका तू है कौन है तेरा ये जग तो है काल का डेरा मोह ममता ने लाया घेरा माया ठगने ठगर क्यों पड़ गया भर्म झंझार
सत्संगियों अपने अपने विचार होते हैं और दो एक बात तो सबकी बराबर मिलती है। पढ़े लिखे पर विद्या बड़ी ऊंची जे सु आगा में सुनना में सु आगा मिल जाए क्या करना चाहिए। उन्होंने 5000 किताबें लिखी श्यामलाल महाराज ने, उनका एक प्रताप है, उनकी दया है कि सत्संग का जो फल मिल जा सके। उनके पीछे मेरे गुरु महाराज और मान साहब थे, वो मास्टर थे, उर्दू के बड़े अच्छे बड़े लिखे थे। मैं क्या बताऊं, मैं वो एक छुपे रुष्टम थे, वो किसी को पिछाड़े नहीं। हमारे भाई बंशीलाल का परिवार उन्हीं के पास में पढ़ा था। भाई रघुवीर तो पाचल अभी सारे बड़ी कदर कराया करते थे कि हमारे विद्यागुरु से, पर इतना फर्क वह विद्यागुरु न विद्या नहीं थी, मैं दूसरी चीज का भूखा दवा मिल गई। दुकानदार वो ही बड़ा होता जो गाय उसकी दुकान पर तो वापस नहीं जा। तो मेरा संत सतगुरु बहुत बड़ा दुकानदार था, उनके दुकान पर कोई जाया करता था प्राणायाम करने वाला तो उनको बता दिया करते थे, उनकी दुकान पर कोई मुसलमान आमदा उनको बता तुम्हारे कुरान में ये है। उनके पास में अगर कोई भी गया खाली नहीं गया, उसके ये उसके मजहब के मुताबिक समझा दिया करते। और ये मजहब किसी के नारे नहीं है, ना सारी दुनिया का मजहब एक ही है। कोई उनके पास में विद्या लेने के लिए जाया करता, कोई रूहानी दौलत लेने के लिए जाया करता। और प्रेमियों, मैं उस विद्या की इज्जत करता हूं कि वो भगवान होते हैं उन्हें बड़ा बोलना चलना आ जाता है। और जो विद्वान भी है और किसी महात्मा की दया से उन अंदर का पता लग जाए, इतनी बड़ी बात से इतना बढ़ जाता है। जैसे एक भाई किताब पढ़ के खेती की बातें बताता है और एक भाई खुद खेती करके वह फसल की बातें बताता है, कौन सा फसल जो सदा लेता उन कदर में आ जाता। एक हम दुआई की किताबें पढ़ करके न रख देते हैं, वैद्य नहीं पढ़ते हैं। एक कभी पढ़ा नहीं, न वैद्य नहीं करी, अब वो कदर में आ जाता है। संत महात्मा उस घर से आते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूं था, कल भी मैंने सवेरे का टेम में दिन में सत्संग किया था शराब के ऊपर। हमारे प्रेमी बैठा था कि मेरे गुरु ने तो मेरे पर यही जोर लगाया था आपके हुक्का मत पीना, पर का कोई बुरी बात नहीं है, ये बस और किन्ने करो कुछ भी करो, मेरे भाग मारी थी मैंने सबको ऐसा मिला कि सब कहे का बंधन कर गया। तुमने बंधन नहीं किया, मेरे सतगुरु ने मेरे पर रहम आया था, दया आई थी। जिस तरह मैंने कल बातें कही मेरे भाई बहनों पर रहम आता है। मैं तुम्हारे हित की बातें कहता हूं, छोटी उम्र की मातों के पास घूमना और मैंने वो काम किया तुम महात्मा करके नहीं सिखा सकता। एक लगो की काख में बरोला, उसी में खा लिंदा, उसी पानी रखा करता था। काम के आए मंदिर में पता चल और कोई क्या करता, सीधा उस परमात्मा ने जानू था। जब मेरे पर दया हुई, उस मालिक की अपार दया हुई, वो चीजें मेरी छुपा दी और मैंने उसको पता बता दिया कि ये इस तरह है।
हमारे बुजुर्गों की जो मदद मिलती है वो हमारा भला ही भला कर देती है। जो मैं बड़ी आरती उतारी, इतनी आरती उतारी के कोई तार नहीं सकता। मैंने इतनी गात्री पढ़ी, क्या कह सकता हूं, बड़ी भारी। मनु आरती से ही मिला, गात्री से भी मिला, मंदिरों में से पूजा करी। मेरे पिता का लुकमा में एक मंदिर सा बना रखा है और उसको कभी क्रोड़ी अड़ा चिंता के, कभी उसको गोरी अड़ा चिंता के देखने में, अगर देख लेगा तो कभी मुश्किल हो जाएगी। इस तरह मैं उसकी आरती तार का एक दिन एक प्रेमी ने आके कहा, वो कहना क्या करते हो, मिलते हम ठाकुर जी आरती करता हूं। फिर क्या करे, दबा भोग लगाया था, बड़ा क्या भोग लगा खा लिया माता, ये भोग लगा था जंगल की जो देश की आते हैं। मैं हैरान हो गया, सेवन देखता है, आज वो भाई बात करे तो मैं कर सकता हूं। मैंने कहा जंगल भी देखते, बोले हाँ खाना हो तो जंगल भी जाएगा, मैं खाते नहीं तो फिर चुंबक आता है। आज मैं कहता हूं ये तुम्हारा प्यार था, ये तो हमारा एक उसके साथ प्यार था कि मैं पहली थी आरती था। ये तो मुझे पता है, भाई ने बताया कि जो हम आंगली हलाते हैं इसकी बरकत आसमान में जाती है, जो हम कुछ बोलते हैं ये भी आसमान में इकट्ठी हो जाती है। वरिष्ठ वाणी को कौन पकड़ता है, कसाई की वाणी तो कसाई ही पकड़ता है, चोर की वाणी को चोर ही पकड़ता है, महात्मा की वाणी को महात्मा ही पकड़ता है। जैसी एडिशन होगी वो उसको आप पकड़ लेंगे। कोई महात्मा का डेरा है, हम बड़े जुल्मी हैं, राजे महाराजे भी हैं, उसके दरबार पर जाते हैं, उसका सत्संग सुनते हमारे जन में खुद ही बैराग पैदा हो जाता है। किसने किया वो बैराग, उस महात्मा की रेडिशन में। जब हम रंडियों के मोने में को लकड़ते हैं तो कितने विचार गंदे हो जाते हैं, किसने के उन रंडियों की रेडिशन घूम रही थी वहां। मैं ये बातें आज क्यों कहता हूं, कहीं पढ़े लिखे बैठे मैं अनपढ़ हूं, मेरा तजुर्बा यही है कि रेडिशन काम करती है। अगर हम कसाइयों के मोने में को लकड़ते वही रेडिशन काम करती है। मेरी एक बड़ी बात बताऊं, मैं सिलीगुड़ी चला गया, मेरे पास में एक महाजन था आया हुआ से, वो मैंने ले जा रहा था। जिस जगह को मैं लकड़िया वो बड़ी बहुत खराब थी, मैं तो कभी ऐसा ढंग देखा भी नहीं था। मैं उस गड़ी में को लकड़िया तो कई को 20-30 लड़कियां मुंह पे कुर्सी घाली बैठी सूत्र बनवा गई। मैं देखा मैं ये सड़क पर क्यों बैठी से चाचा, बुला जाओ। एक लड़की कह रहा क्या बात है सरदार जी, दोहरे दोहरे किस तरह जाते हो,